हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्फीबीम एवेन्यू शेयर के ऊपर। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे हुडको, पीएलएएल और जीनस पेपर शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए बात करते हैं अब हम लोग स्टॉक के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू शेयर के ऊपर। स्टॉक में आज हम लोगों को 2.25% से ज़्यादा का तेजी देखने को मिला। इनिशियली स्टॉक में एक अच्छा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, बट उसके बाद ऊपर के लेवल से स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग, वापस से सेकेंड हाफ में स्टॉक जो है आपको समवेयर इन बिटवीन में क्लोज दिया। तो एक अच्छा, इस पूरे वीक में अगर बात करेंगे तो इन्फीबीम में हम लोगों को एक शानदार तेजी देखने को मिला है। स्टॉक ने इस पूरे वीक में 17.45% के रिटर्न के साथ क्लोजिंग दिया है। लास्ट 6 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है 161.49% के रिटर्न के साथ यहाँ पे एक बहुत ही शानदार मोमेंटम किया है। इस स्टॉक में लगातार एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। तो आगे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। इस स्टॉक को हम लोगों ने 31 जनवरी को भी डिस्कशन किया था, और उस दिन हम लोगों ने क्यों डिस्कशन किया था, क्योंकि मंथली चार्ट पे एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिला था। क्लियरली अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2018 के सितंबर मंथ के बाद जो है स्टॉक आपको फर्स्ट टाइम इस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ था, और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे आपको डिस्कशन किया था। स्टॉक में पहले तो एक अच्छा गिरावट, उसके बाद स्टॉक ने रिट्रेसमेंट लिया, वापस से गिरावट, और उसके बाद यहाँ पे नेकलाइन भी ब्रेक हुआ। मंथली चार्ट पे एक अच्छा क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिला एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, और उसी का कंटिन्यूएशन जो है अब हम लोगों को इस वीकली कैंडल पे भी देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार क्लोजिंग वीकली बेसिस पे भी स्टॉक ने दिया है। 30 रुपीज के लेवल पे स्टॉक ओपन हुआ था इस वीक में, और उसके बाद स्टॉक में जो है इस पूरे वीक में एक शानदार तेजी देखने को मिला। तो इनकेस अगर आप लोगों ने यहाँ पे इस स्टॉक को होल्ड किया हुआ है तो कंटिन्यूसली होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक में काफ़ी लोग जो है आपको नीचे के लेवल से 10-20 रुपीज़ के लेवल से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बना के रखा हुआ है। तो ऑलरेडी जो है आप लोग 200-300% के प्रॉफिट में हैं, तो यहाँ पे जो है आप होल्ड करके रख सकते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे तो इमीडिएटली जो है आपको 30 रुपीज़ का लेवल एक अच्छा सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करने वाला है। ऊपर की साइड में जो है हम लोगों को 60 रुपीज़ के लेवल तक जो है एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। लगातार प्रीवियस 2 वीक से एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिले और उसके बाद वापस से स्टॉक जो है ऊपर की साइड में मोमेंटम कर जाए। सेकेंड स्टॉक की बात करेंगे तो सेकेंड स्टॉक है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। स्टॉक में बहुत ही शानदार तेजी हम लोगों को देखने को मिला। यहाँ पे देखेंगे तो प्रीवियस 2 ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि इस मंथ के 2 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिला। तकरीबन 50 रुपीज़ का जो है यहाँ पे मोमेंटम 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला, बट आज ऊपर के लेवल से स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला। इससे पहले भी हम लोगों ने बात किया हुआ था, जिस स्टॉक में अभी आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि जो मूव आपको 100 के बाद आया है वो एक वर्टिकल मूव है, और हम लोगों ने इससे पहले भी देखा हुआ है पास्ट में, कभी भी वर्टिकल मूव सस्टेन नहीं करता है। तो अगर आपने ऑलरेडी नीचे के लेवल पे बाई किया हुआ है तो डेफिनेटली आप एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे, बट यहाँ पे फ्रेश एंट्री का जगह नहीं है। थोड़ा सा इसको कंसोलिडेट करने दीजिए, जिससे कि एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाए और उसके बाद स्टॉक निकले, तो फिर हम लोग यहाँ पे इसको कैच कर सकते हैं। इन केस अगर आपको यहाँ पे रैली मिस हो जाता है, कंसोलिडेट नहीं करता है, रिट्रेसमेंट नहीं करता, स्टॉक निकल जाता है, बेटर है थोड़ा सा आप जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। अननेसेसरी के आप यहाँ पे लॉस कर बैठेंगे। अगर ऑलरेडी आपके पास पोजिशन है तो आप ज़रूर होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन फ्रेश पोजिशन यहाँ पर आपको नहीं बाय करना।
चलिए अब हम लोग थर्ड स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। थर्ड स्टॉक है BLAL, BML लैंड एसेट। इस स्टॉक को याद होगा जितने भी लोग ट्विटर या फिर टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, या फिर इस स्टॉक के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी वीडियोस में डिस्कशन किया हुआ है। स्टॉक में बहुत ही प्यारा पैटर्न देखने को मिला था, एक अच्छा यहाँ पे फॉल, वापस से स्टॉक ने यहाँ पे आपको एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न बनाया और उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देके क्लोज दिया था। बिल्कुल सेम पैटर्न हम लोगों ने प्रीवियस डे में एक और स्टॉक के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है, इसका नाम है डेलीवेरी। टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो अवेलेबल है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। बिल्कुल सेम पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और डेलीवेरी फर्स्ट टाइम जो है वो आपको प्रॉफिट में अपना रिजल्ट पोस्ट किया है, फर्स्ट टाइम प्रॉफिटेबल रिजल्ट उन्होंने पोस्ट किया है, तो एक अच्छा तेजी वहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने रीटेस्ट किया सेम लेवल को, और अब अगर देखेंगे तो प्रीवियस 4 वीक से स्टॉक में ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ, 200 से 225 रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, बट इस पर्टिकुलर वीक में ही हम लोगों का पहला टारगेट जो है स्टॉक ने दे दिया है। यहाँ पे हम लोगों का 300 का टारगेट था, 300 मिल चुका है। अब ऊपर की साइड में जो है स्टॉक 400 की तरफ जाने के लिए रेडी है, लेकिन विद इन 1 वीक अगर बात करेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पे जो है 50% का मोमेंटम किया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट या फिर कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे, लास्ट स्टॉक है जीनस पेपर। जीनस पेपर अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, एक पेनी स्टॉक है, बहुत ही प्यारा मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट कंफर्म किया है स्टॉक ने। यहाँ पे जो है आपको मंथली कैंडल क्लोज हुआ है और इस वीक का कैंडल भी जो है काफ़ी अच्छे लेवल पे स्टॉक ने क्लोज दिया है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का भी स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, तो काफ़ी प्यारा चार्ट सेटअप जो है हम लोगों को जीनस पेपर का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग 17.50 रुपीज़ के नीचे के ASL के साथ इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। ऊपर की साइड में जो है हम लोगों को 40, 50 ये सभी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।